मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 2 दिवसीय पालमपुर दौरे में मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद संस्थान का दौरा किया और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से भी मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1 करोड़ की लागत से बने बूल फेडरेशन कार्यालय में नवनिर्मित जनजातीय सामुदायिक भवन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनूरी का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस भवन का शिलान्यास 2012 में उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था, उसके बाद इस भवन का उद्घाटन हुआ है। प्रदेश सरकार समाज के हर एक व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। वहीं गद्दी समुदाय की जो समस्याएं और मांगे हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और भेड़ पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बजट में प्रावधान करने की मांग की गई है, उस पर भी विचार किया जाएगा। वहीं सिप शेयर का मामला भी विचाराधीन है और इस पर जो भी किया जा सकता है वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे गद्दी लोगों की भेड़ और बकरियों की चोरी में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गद्दी को अच्छी नस्ल के दाम उपलब्ध कराए जाए ताकि उच्च गुणवत्ता की ऊन मिल सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हम नौजवानों के लिए आय के स्रोत कैसे बनाएं, उस दृष्टि से हम प्रदेश में विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उस दृष्टि से भेड़ बकरी पालन आने वाले पीढ़ियों के लिए रोजगार का साधन बने, उसे भी हम सुनिश्चित करेंगे। उसी दृष्टि से पिछले वर्ष 240 भेड़ों का ऑस्ट्रेलिया से आयात किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लोगों ने वर्तमान राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के हालिया चुनावों में भारी जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि 63 BDC में जो परिणाम घोषित किए गए, भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 59 BDC सीटें जीती हैं और आने वाले नगर निगम चुनावों में सरकार पार्टी चिन्ह पर करवाने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि भाजपा पिछले 3 वर्षों के दौरान लोकसभा और उपचुनावों सहित सभी चुनावों में जीत हासिल करे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग राज्य सरकार के विकासात्मक और कल्याण उन्मुख नीति और कार्यक्रम से पूरी तरह से संतुष्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार ने गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल गृहिणी योजना शुरू की गई है, जो कि उसी से रहित घरों में मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2.90 लाख मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश देश का धुआं मुक्त राज्य बन गया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, मंत्री राकेश पठानिया, मंत्री बीरेंद्र ठाकुर, विधायक मुल्कराज प्रेमी, विधायक रविंदर दिमान, विधायक विशाल नेहरिया, बुल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर मौजूद रहे। हम नौजवानों के लिए आय के स्रोत कैसे खड़े करें, आय के साधन अपने आप कैसे खड़े करें, उस दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश में विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा यह भी मानना है कि भेड़ बकरी पालन को भी हम उस दृष्टि से रोजगार का जरिया ये हमारे पीढ़ियों के लिए बने, आने वाले समय में जनरेशन के लिए बने, उसमें और क्या क्या किया जा सकता है, बेहतर ढंग से क्या किया जा सकता है, उस दृष्टि से जो काम करने की जरूरत है उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे आने वाले समय में, कि ताकि नई टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ करके, नई तकनीक के साथ भी जुड़ करके हम भेड़ पालन के इस कार्य को प्रोत्साहित कर सके, उसके लिए भी आने वाले समय में एक नहीं अनेक तरह के विचार हम इस बात को लेकर के सोच रहे हैं। चाहे हमारे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो यहाँ पर मंत्री जी कह रहे थे, जायका की बात कह रहे थे, चाहे वो हमारे ADB का प्रोजेक्ट है और उसमें भी ये कॉम्पोनेंट हम उसमें शामिल किए, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुविधा आप किस प्रकार से दे सकते हैं, इन सारी बातों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष जो है वो जो नस्ल सुधार की दृष्टि से इसमें एक प्रयत्न किया गया है, जिसमें लगभग 240 ऑस्ट्रेलियन भेड़ों को मरीना की जो वो हमारी जो वो रहती है नस्ल रहती है और उसमें मेनू का जो आयात किया गया है वो उस दिशा में एक प्रयत्न है, एक प्रयास है। पारंपरिक हमारी जो व्यवस्था है उन सारी चीजों को कायम रखें जो हम कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं,
लेकिन उसमें और ज्यादा इनोवेशन हो, उसमें नए तरीके से हम और ज्यादा उसमें नस्ल में सुधार हो, हमको अच्छी किस्म की ऊन मिले, उस ऊन से हमको अच्छी आय मिल सके, उन सारी बातों के लिए जो हम प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में हमने जो कोशिश की है, तो मैं समझता हूं कि उसका भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और मैं आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिस प्रकार का सहयोग आपकी बार सरकार को और हमारे दल को जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के माध्यम से इस पंचायत राज के चुनाव में मिला है, पंचायत के चुनावों में मिला है, ये ऐसा समर्थन सहयोग आज से पहले कभी देखने को नहीं। पूरे पूरे जिले ऐसे होंगे जहां पर कई जगह तो चेयरमैन ही वाइस चेयरमैन में उनका ब्लॉक समिति में खाता ही नहीं खुल पाया। नगर पंचायत में भी नगर पंचायतों के नगर परिषद के चुनाव हुए, 29 नगर परिषदों में से 19 भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आई है। और एक ही नगर पंचायतों में 13 भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आई है। पर आज हमको और खबर अब मिल रही है कि रोड़ू विधानसभा क्षेत्र का जो चिड़गांव का जो ब्लॉक है, वहां पर भी आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव संपन्न हो गया, तो वहां पर भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के चुनकर के आगे, तो 57 के साथ एक और बढ़ोतरी होगी, 58 हो गए। और बैजनाथ को भी मैं यही जोड़ देता हूं, तो 59 हो गए। हमारे विपक्षी मित्र कह रहे थे कि अगर पार्टी के सिंबल पर, अगर आपको हिम्मत है पार्टी के सिंबल पर चुनाव कराओ, हम विचार कर रहे हैं। अगर संभव हुआ विचार बना हमारा, तो कॉर्पोरेशन के चुनाव को पार्टी के सिंबल पर भी हम कर सकते हैं, इस बात पर भी हम विचार कर सकते हैं।